कैसे आप? होप कि आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे और हम भी बहुत मस्त हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे है सेकंड बारिश मानसून की बहुत जबरदस्त, और हम अपने मिशन के लिए निकल चुके हैं। तो हमारा मिशन है स्विमिंग, तो आज से मेरा स्विमिंग स्टार्ट है, मतलब हम सबका। और बारिश में और भी मजा आएगा क्योंकि इंडोर है, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखते हैं। तो गाइस देखो कितना तेज बारिश हो रहा है ना, बहुत ही मस्त मानसून की बारिश, देखो पता लग जाती है एकदम पूरा व्हाइट कलर का हो रखा है आसमान पूरा। पेड़ों को बहुत अच्छा लगेगा, पूरे पेड़ धूल जाते हैं और है ना पूरे एकदम सुंदर से हो जाएंगे, ग्रीन कलर के है ना, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, बहुत मस्त। तो आज हमारा फर्स्ट डे शायद अच्छा जाएगा मेरा, तो देख तो बनी रही है ब्लॉग के अंदर और आगे आपको पता लग जाएगा कि कैसा भी जाएगा। तो भाई पहुंच गए हैं, अभी देखते हैं कि सब क्या कर रहे हैं। और देखो बारिश तो अच्छा बारिश हो रहा है, मैं तो पूरा बैग भर के ले आई हूँ कपड़े चेंज करने के, अंदर जाके देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। नैनू ने तो चेंज कर लिया देखो, और नैनू रेडी है, लेकिन नैनू अभी भैया के साथ ही जाना, ऐसे में जाना ठीक है। नैनू पानी साफ तो किया एकदम। हाँ। तो गाइस निखिल और नैनू ने चेंज किया है। अभी बारिश में अगर ये बाहर होता है तो बहुत ठंडा लगता है ये पानी। नैनू है ना, नहीं निखिल के वो लगा रहा। नैनू रुक जाओ एक बार, नैनू आप अभी मत जाना ठीक है, आप भैया के साथ ही जाना, ऐसे मत जाना। तो गाइस निखिल तो कर लेते हैं। हाँ निखिल को तो आती है, मुझे नहीं आती। हाँ क्योंकि काफी साल हो गए ना। नैनू सीख रहे हैं, पानी अच्छा लग रहा है, ज्यादा ब्लू, वाओ ये मॉइस्चर हो जाता है शायद, इसलिए जोस्ट लगाया है ना, इसलिए है ना। तो गाइस यहाँ पे देखो कितना गहरा है, बहुत 6 फुट से भी ज्यादा गहरा है यहाँ पे, और है ना वहाँ कम है, तो पहले प्रैक्टिस के लिए वहाँ ठीक है, वो कह रहे हैं कि अभी लास्ट में यहाँ आना है, फिर अभी नहीं आना 4-5 दिन है ना निकल, क्योंकि यहाँ पे तो दिखेगा ही नहीं। तो देखते हैं भैया सिखाते हैं नन्नू को, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ बैठने का भी है ना निकल, लेकिन बारिश नहीं कम हुई है गाइस। निखिल देखो क्या कर रहे हैं, नन्नू तुम मत आना, अपनी मस्ती में है वो। निखिल मुझे ना उसकी खुशबू आ रही है जो ब्लीच, इस पानी में ब्लीच है ना, हाँ उसके आती है। नन्नू इंजॉय कर रहे हैं, और ये गर्मी में ठीक है, निखिल सर्दी में भी करते हैं स्विमिंग, वो किस लिए, वो आप बता सकते हो, वो छोटा सा पूल है जो था कि ये भी होता है क्या, ये गर्म पानी करके और इसमें रिलैक्स करते हैं ना जैकुजी। अब वो भैया चेंज करके आ रहे हैं शायद, मैं तो लास्ट मैं बाद में करूँगी। ये भैया देखो कैसे कर रहे हैं, भैया देखो कितना मस्त कर रहे हैं, मेरे को कैप से कान में है ना वो अजीब से लग, खोल सकते हैं ना, वेरी गुड बब्बी, बस आ जाओ अब ऊपर। कैसा लग रहा है बब्बी? नन्नो आप भी करो जैसे भैया बता रहे हैं वैसे करो,
अभी फर्स्ट डे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, काफी कुछ सीख गए और भैया बताएंगे मैं कितना जल्दी सीखते हूँ। ननुआ कैसा लग रहा है? मैं अभी ना डीप हो रही हूँ इसके अंदर, देखती रहेंगे। ओहो बबली, हेड डाउन करो। कोई नहीं, मैं भी उठ लो, टेंशन नहीं, आराम से करो। जो है जब भी मुझे हाथ छोड़ने हैं तो देखते हैं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बस हाथ से बस हटाइए उंगलियां, पूरा हाथ हटा देना। वेरी गुड ननुआ, ननुआ ने किया ऐसे। आओ नन्नू बबली, आओ नन्नू बबली, दोनों आओ। वाह वेरी गुड, नन्नू थोड़ा सा बीच में रह गया। तो गाइस आज सिक्के आ गए हैं बस, और आज थोड़ा सा ना लेट हो गए क्योंकि वो थोड़ा लेट गए थे ना वो सफाई वफाई करवा के फिर, और तो है ना बारिश भी शुरू हो गई थी। लेकिन है ना मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो है फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहा, मैं बोल रही हूँ। क्या बोल रहे हैं, आपने देखा मुझे? हाँ अच्छा रहा। और मैंने और आप, मैं ब्लॉग डाल रही हूँ तो देख के बता देना कि कैसा। और आप भी बता देना गाइस, मेरा भी, मैंने का भी बहुत अच्छा रहा मेरा। मैं गाइस मम्मा से एक स्टेप आ गई हूँ। तो गाइज वो बहुत अच्छे सिखा रहे थे सच में, लेकिन ना मुझे ना कल से बालों पे अच्छे से कैप पहननी पड़ेगी भाई, ब्लीचिंग, वो बाल ना ड्राई ड्राई से हो जाते हैं ना, निकल क्लोरीन डालते हैं ना, वो गॉगल्स भी जरूरी है। तो है ना थकान हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है लेकिन बहुत ज्यादा थकान हो जाते हैं। तो मेरा फर्स्ट डे तो आज अच्छा रहा, आधा घंटा एक घंटे लगभग मैंने किया था, तो मुझे लग रहा है मैं जल्दी सीख जाऊंगी गाइज। हाँ, और हफ्ते में ना एक छुट्टी लेनी पड़ेगी, लेकिन है ना जब भी मन करे जाओ, जब मन करे नहीं जाओ, ऐसा करेंगे। लेकिन शुरुआत में हफ्ता रेगुलरिटी जरूरी है थोड़ी सी स्टार्टिंग में, है ना। तो गाइज आज का दिन तो ठीक रहा, अब कल का देखते हैं। और आज बहुत अच्छी बारिश हो रही, जब हम गए थे जब भी बहुत बारिश थी और रात के टाइम भी बारिश है, तो 3 घंटे हो गए लगातार बारिश होते हुए, बहुत अच्छा है। और मेरे बाल ना मैंने कैप पहन ली ना उसके बाद भी एकदम गीले पड़े हैं अभी, याद ही नहीं रहते सच्ची। ओ माय गॉड, ऑयलिंग करूँगी मैं आज तो, फिर है ना कल से एकदम चिपकू बन के जाऊँगी ऑयलिंग करके। वो कल से बेटा आप भी कैप पहनना, नहीं ना आपको भी कैप जरूरी है, वैसे भैया बोल रहे थे ना कैप लेते हुए जाएंगे। तो ठीक है गाइस, बस अभी बहुत थकान हो गई है और अब कल देखते हैं कैसा रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मन नहीं करे। लेकिन जब आज मेरा डर खुल गया ना, आज स्टार्टिंग में मुझे पानी से बहुत डर लग रहा था, हाँ फिर लास्ट में जब आने लग गया ना थोड़ा सा कि आप बिना कुछ पकड़े हो पूरा पानी में डिप हो के एकदम मछली बन रहे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो लास्ट में तो बहुत अच्छा गया है ना। लेकिन फिर वो भैया भी मुझे देख के बोल रहे थे मैम आप जल्दी सीख जाओगी, क्योंकि आपने, आपका स्टार्टिंग कैसा था कि पानी में आते हुए डर रही थी और आपने हाथ छोड़ के पूरा डिप भी हो गए, तो ईजिली सीख जाओगे। तो आई होप कि मैं भी सीख जाऊंगी। और नैनू तो आज बहुत अच्छा किया, नैनू के फर्स्ट डे की परफॉर्मेंस। गाइस मैंने ना जो फर्स्ट डे होता है फ्लोटिंग पार कर लिया, बस मेरे को सेकंड स्टेज है स्विमिंग करना, बेसिकली फ्लोट आगे बढ़ना पैरों और हाथों की मदद से। अभी बाल पूरे गीले हैं। तो ठीक है गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल।
मतलब जब तक स्विमिंग सीखेंगे तो इसी व्लॉग के साथ मिलेंगे स्विमिंग के व्लॉग में, तो डे बाई डे आपको पता लग जाएगा कि बबली कितनी जल्दी सीख जाएगी। हाँ प्रोग्रेस डे बाई डे, अगर प्रोग्रेस नहीं है तो समझो कि छोड़ देना, ठीक है फिर तो। गुड नाइट गाइज, बाय बाय।